Hi Priyanka, how are you? Hi, I'm very good. Where did you go to Indore? Where did I go in Indore? We went to the college, which was CHIMC, and we went to the C. What is the mall called? C21 mall. Why is it called C21? C ka full form kya hai? C21. Wahan pe gaye. While coming towards Indore, how did you like the ambience? मैं इंदौर काफ़ी बार आ चुकी हूँ. मैं पिछली बार अभी डॉन 2 के प्रमोशन के लिए भी आई थी अपनी टीम के साथ, अनजाना अनजानी के लिए भी आई थी. तो इंदौर आती रहती हूँ मैं, और मैं यहाँ पे बहुत लोगों को भी जानती हूँ. कुछ मेरे मम्मी डैडी के फ्रेंड्स भी रहते हैं यहाँ पे. तो इंदौर से रिश्ता हमेशा पुराना सा है और अच्छा सा है. ओके प्रियंका, आप इस फिल्म में तीन रोल्स प्ले कर रही हैं डिफरेंट ईरास के. हाउ ईजी वॉज इट फॉर यू? ईजी तो खैर नहीं था. आई मीन इट्स लाइक डूइंग तीन अलग अलग फिल्में एक ही फिल्म में. अगर आप करें तो तेरी मेरी कहानी वो है, थ्री शॉर्ट फिल्म्स इन वन. तो इट वाजंट ईजी, बट इट वाजंट सो डिफिकल्ट ऑल्सो, क्योंकि कहानी में ही इतनी आसानी से लिख दिया गया था कि किस तरह से हमें पेश आना है. सो दैट वाज अ लिटिल ईजियर. ओके, मुझे लगता है स्क्रिप्ट के बारे में शाहिद ने भी कहा कि स्क्रिप्ट बहुत हमारे पास ईजिली डन थी, तो आप भी वही कह रही हैं. व्हाट डू थिंक, हाउ वाज इट वर्किंग विद कुणाल? Kunal is really fun to work with. Kunal is somebody who is someone that who knows exactly what he wants, and unko love aur romance ki bahut achhi pakad hai, aur ye waisi film hai, aur usme romance unhone badi manje hue tarike se pakda hai usko. So I really enjoyed it. Aap itne saalon se bahut sari filmein aapne kari hain, how is this film different from the others? I think maine kafi saalon se ek love story nahi ki thi, और ये एक बहुत यंग फन लव स्टोरी है. और बड़े सालों के बाद मैं बहुत ड्रामेटिक और डिफ़िकल्ट फिल्म्स करती हूँ, और काफ़ी दिनों के बाद मैं एक यंग अपने एज की कूल सी फिल्म प्ले कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया प्ले करने में, फ्रेश फिल्म. सो आई रियली इन्जॉय दैट. एक अलग जॉनरा था मेरे लिए, अग्निपथ, डॉन, इन सब हैवी फिल्मों के बाद. आई थिंक दिस वॉज अ फन फिल्म टू डू. आपका कनेक्ट तीनों कैरेक्टर्स से कैसा है? हाउ इज योर, व्हाट आर योर रोल्स इन इट? आराधना एकदम फटाकड़ी है, तो वो तो मैं हुई. 1960 में रुखसार एक बहुत वेल बिहेव्ड अदब से पेश आने वाली लड़की है, वो भी मैं हूँ. और 2012 में राधा है, राधा तो मैं हुई क्योंकि मैंने अपने आप पे ही ढाला था उसके कैरेक्टर को. सो मेरी रिलेटेबिलिटी काफ़ी रही है. तो तीनों कैरेक्टर्स में से सबसे ज़्यादा आप अपने आप को लिंकअप किससे करती हैं? विच कैरेक्टर थिंक इज लाइक प्रियंका? आई थिंक राधा, जो 2012 की कैरेक्टर है, क्योंकि मैं काफ़ी उसकी तरह हूँ, जिस तरह वो सोचती है, जिस तरह वो बिहेव करती है, और प्लस आज के दौर की लड़की है, तो आई थिंक इट्स ईजीएस्ट टू रिलेट विद हर. प्रियंका, ये जो फिल्म है, दिस इज अबाउट टू बी रिलीज्ड, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑडियंस? आई थिंक June 22 हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा, और मैं बस लोगों को एक्सपेक्ट करती हूँ कि दो घंटे की स्वीट सी फिल्म है, आप देखेंगे, आप इन्जॉय करेंगे, आप एंटरटेन होंगे, और आप स्माइल करते हुए घर जाएंगे. इससे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं कि आपकी ज़िंदगी बदल देगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ये बहुत एक एंटरटेनिंग फिल्म है और आपको मज़ा आएगा देखने में. आपने पहले फिल्म्स में, डॉन 2 जैसी फिल्म्स में, आपने एक्शन सीक्वेंसेस किए हैं, डिड यू गॉट ट्रेन फॉर इट? यस, आई ऑलवेज ट्रेन फॉर ऑल माई एक्शन सीक्वेंसेस. तो आपको जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है, उस दौरान हाउ इज़ योर वर्कआउट सेशन? आप यूजुअली वर्कआउट करती होंगी, व्हाट आर योर वर्कआउट टिप्स फॉर द यंगस्टर्स? मैं ज़्यादा वर्कआउट नहीं करती हूँ वैसे, तो इसलिए मैं टिप्स देना पसंद नहीं करूँगी, लेकिन बहुत अच्छा है वर्कआउट करना, सबको करना चाहिए. थैंक यू प्रियंका, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. एक चैनल आईडी, हाय दिस इज प्रियंका चोपड़ा, यू आर वाचिंग BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का. Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching BTV Yuva, kyunki ye zamana hai hamara youngsters ka.